यहाँ कांग्रेस के झंडे के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष डीएम मिश्रा भी आगे, तो समझ लीजिए कांग्रेस का प्रोग्राम तो है साथ में ऊपर से। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे यहाँ के कांग्रेस के साथी ने, खासकर सतीश शर्मा जी जो मदन लाल शर्मा जी के साहिबजादे हैं, और मुझे लगता है कि अखनूर और ये छंब हमेशा से कांग्रेस का एक बुनियाद रहा है। बीच में 2014 में थोड़ी सी चाहे हमारी तरफ से कमी रही हो या लोगों को समझने में दिक्कत हुई, मगर आज फिर से जिस तरह से ये एरिया मजबूत कांग्रेस के लिए और बीजेपी की नाकस पॉलिसियों को ये महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के शेप में हो, चाहे वो व्यापार के शेप में हो, चाहे वो स्टेट को डिग्रेड होने के शेप में हो, और काफ़ी समझदार लोग हैं यहाँ पर, बुनियादी कांग्रेस के कारकुन हैं। मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ के लोगों को भी समझ आई है कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी वो ज़्यादा बेहतर थी लोगों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और रियासत के लिए, उस पर फिर से चलने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह एनसी और पीडीपी 370 को लेकर प्रदर्शन कर रही है, आपका क्या स्टैंड है सर? नहीं, हमारा तो स्टैंड है जो हमने 6 अगस्त 2019 को दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सबसे पहले अपना मौकफ क्लियर किया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जुद्दोजहद में शामिल रहेंगे और जो उनके जज्बात एहसास है उसकी हम कदर करते हैं। बाकी जैसे जैसे सियासी माहौल आगे बढ़ेगा, मैनिफेस्टोज आगे आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ कांग्रेस के झंडे के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष डीएम मिश्रा भी आगे, तो समझ लीजिए कांग्रेस का प्रोग्राम तो है साथ में ऊपर से। इंडिया